शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक चाय लेकर आओ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। वो तंबी शिखामणि को ढूंढ रहा है। वैसे मामला क्या है? 3 आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं। तुम्हें ढूंढती हुई पुलिस वहाँ पर आई थी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, मेरी गाड़ी यहाँ से निकलने तक अपनी गाड़ी यहाँ मत लगाना। चश्मा पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है क्या? आए बड़ा। आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, चलिए चलिए बैठिए, ये गाड़ी पहले निकलने वाली है, चलिए बैठिए आजमगढ़। ये गाड़ी भले ही पहले निकले लेकिन कहाँ पहुँचेगी ये भगवान ही जानता है। एक मारूंगा तो तू भगवान के पास पहुँचेगा। जिसे अपनी जान प्यारी होगी ना वो मेरी गाड़ी में बैठेगा। चल निकाल अपनी कटारा को। आजमगढ़ 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 वाले आइए आइए। आजमगढ़ आइए साहब यहाँ पर आओ। अरे क्या कर रहे हो? क्या भाई जाएगा ना? हाँ साहब। आजमगढ़ जल्दी चलिए जल्दी, हमारी गाड़ी जल्दी निकलने वाली है, जल्दी चलिए, बैठ जाइए। आप हमारे बस में डफली बजाएंगे क्या? हाँ, पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में गाना बज रहा है ना, इसलिए। अच्छा। आजमगढ़ आजमगढ़ चलो 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 जल्दी। यार उस गाड़ी में चलते हैं, चल। जरा इसको पकड़ना और
और इसे भी तुम ये संभालो। कह गए सारे लोग पुराने प्यार से जी लो हर एक पल, चार दिनों की है जिंदगानी, क्या होगा कल ना तो ये जाने। कह गए सारे लोग पुराने प्यार से जी लो हर एक पल, चार दिनों की है जिंदगानी, क्या होगा कल ना कोई जाने। साधु कहते ये संत कहते ये जियो और जीने भी दो, सबसे बड़ा है ये प्यार का रिश्ता, मिलजुल के रहो सब साथ में। जीना तो है बस उसी का जिसने ये राज जाना है, सब कुछ रह जाना यहीं पे, कुछ नहीं साथ जाना है। बात का गम जीवन की बस यही कहानी, कभी खुशी है कभी है गम। आंखें किसी से ना मिलाना, खो जाएगा दिल का ये चैन, लग जाए जिस इश्क का रोग, काम से तो हो जाए। जीवन की मुश्किल बहुत है ये सफर, मिलती है मंजिल बस उन्हें ही, चलते रहे जो बेफिकर। मेरी मुर्गी डर जाएगी। चलो 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 उतरो उतरो। कादिर, ए कादिर। कौन? क्या हुआ? पुंगी, पुंगी बजने वाली है। किसकी? क्या रे? वो आ गया, ढिंक चिका ढिंक चिका।
रहने, तुम बैठो, मैं चाय लाता हूँ। एक चाय। एक चाय लेकर आओ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। तुम अब यहीं पर रहोगे ना? वैसे शिखामणि वो वही है। अब वैसे तुम चाहो तो मेरी बस्ती में रह सकते हो। उसके बदन में एक भी खरोंच नहीं आई। सर, वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया। किस लिए? अरे, उसे अंदर करने की सबसे पहले कोशिश तो आपने ही की थी ना। सर, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? क्या हुआ? अरे, जेल से आकर अपना बदला लेकर वो फिर जेल में चला गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा सर उठाइए। वैसे कहीं वो आपको मार डालेगा तो क्या होगा? ए, चलो रे। सर, पैसे तो दे के जाइए। अरे बाहर आ गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम यहां आए ये तो और खुशी की बात है। पुलिस वालों ने तुम्हारे बारे में बताया था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। और वैसे वो पुराना शिखामणि बनकर जो तुम जी रहे थे ना, वो एक पुराना सपना था, बस ऐसा ही समझ लो। तुम्हें एसआई सर ने बुलाया, चलो आओ। तुम जाकर आओ, तब तक मैं किसी को बुलाकर इस जगह को साफ करवाता हूं। जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हिम्मत दिखाई उसने, मानना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट उसका कितना भी एहसान मान ले वो कम है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उस बेचारे को पुलिस ने ज्यादा ही तंग किया था ना सर। वो तो हमारा नियम है ना सर, वो तो वहाँ अकेले सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की बात नहीं, जब भी कोई आत्महत्या करने के बारे में सोचता है उसे जंगल याद आता है। 10-20 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ एक पुल आता है, वहाँ से कोई भी आत्महत्या कर सकता है। बैठ जाओ। ड्राइवर के अलावा किसी को नहीं पता चलता। उस दिन से लेकर आज तक उसका घर सबको पता है। उसमें भी एक खास बात है, 3 रिंग बजने से आदमी खत्म होगा। 1 रिंग से जानवर, 2 रिंग से पेड़। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, दूसरी गाड़ी आने तक वो उन्हें रोक कर रखेगा। उसके बाद? उसके बाद क्या, वो लाश को पुलिस स्टेशन में ले जाकर किसी पुलिस वाले को सौंप देगा। अकेले ही? तो क्या तुम्हारे जैसे 3 आदमियों को साथ ले जाएगा? पहले उससे जाकर मिलो, पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए सर, आप मेरी तनख्वाह में से 5,000 काट लीजिए, पर कुछ भी करके उसे यहाँ रख लीजिए सर। आओ। तुम्हारे चले जाने के बाद ही यहाँ के लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला। चाहे पेड़ गिरे या इंसान मरे,
बीच जंगल में जाकर उसे ठीक करने के लिए हिम्मत चाहिए। कुछ दिन पहले ही सारे गांव के लोगों ने जंगल को लेकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुछ नया नहीं आने वाला। अब और क्या नया आएगा, बस दो दिन के लिए ही, उसके बाद डर के सारे लोग भाग जाएंगे। इस बड़े जंगल की जो भी समस्या है उसका हल शिखामणि के पास ही है। काम में बिजी होने की वजह से लोग इसी रास्ते को चुनते हैं अपने आने जाने के लिए, जब शिखामणि नहीं होता है तब। और कभी कभी शिखामणि के होने की वजह से हमेशा के लिए रास्ता छोड़ दे ऐसी बातें करते हैं लोग। मेरा टाइम हो गया, क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चल रहे हो? वहां कोई नहीं है। नहीं मास्टर। ठीक है, मैं चलता हूं। इस तरह मार्केट में आने को मना किया था ना मैंने? कभी ना कभी तो मार्केट में ऐसा आना ही पड़ता है ना। मैंने समझाया था किस उम्र में काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए भाई, मैं अपनी वजह से जंगल में आ रहा हूँ और आपकी वजह से मार्केट में। सर पे बोझ लिए मार्केट में खड़ा हूँ, आप इस तरह बातें करके मेरा दिल मत तोड़िए भाई। सच कह रहा हूँ भाई, मार्केट में आप ही के लिए आता हूँ भाई। पुल्ली कोटी सर, मर गया। वो पेड़ जंगल में गिर गया सर। तो जाओ जाकर हटाओ ना, यही तो तुम्हारा काम है। हाँ। सर ये ऐसे क्यों देख रहा है? इसे भी साथ लेकर चलते हैं ना। उसे अपना काम करने दो ना, चाहो तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम नहीं जाओगे क्या? नहीं सर, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है। पागल कहीं के, अपना काम तो सही से नहीं करते और हमें भी नहीं करने देते। आज होली है, होली होली होली। अरे भाई बेवजह आपके जरिए वो अपना काम करवा लेते हैं, उन्हें बोलो खुद जंगल जाए, बेकार में हमें करने को बोल रहे हैं। हम नौकर जैसा दिखते हैं क्या? ए मम्मी क्यों मारा? आज होली नहीं है क्या? मुझे लगा आज होली है। हाय भाई, लगता है कुछ होने वाला है। आज ये बहुत गुस्से में लग रहा है। अरे कहाँ है रे वो शिखामणि? अभी तक आया नहीं। इसने कहा स्टेशन मास्टर से मिलने। मैं और मेरे लड़के जंगल में जाएंगे और पेड़ काटेंगे, उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहो। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे, ये बात समझा दे उसे, वरना उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। वो जहां कहीं भी है उसे ढूंढ निकालो। चलो गाड़ी निकालो।
भाई मैं कितनी देर से धक्का मार रहा हूँ, चाहे जो भी हो मेरी वजह से ये गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। भाई थोड़ी देर रुकिए, मैं सुमन को सामान देकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं वापस आया। अरे सुमन, लगता है दुकान में कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है। तेरे लिए आया मैं तो, देख तेरे लिए आया मैं तो। कोई देख तो नहीं अच्छा, रहा है ना? सुनो चंदू, तुझे सुनो ना चंदू, कादर भाई ना मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। ऐसा? वो बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगता हूँ क्या? सुंदर हो लेकिन एक पप्पी दो ना। बिल्कुल नहीं, पहले जंगल में जाकर हाथी को मारकर मर्द बनकर आओ, उसके बाद मैं सोचूंगी। मतलब जंगल में जाना होगा? हाँ, जाना होगा। तुम जानती हो ना सुमन, मुझे जंगल के नाम से बहुत डर लगता है, और डर से मुझे याद आया चावल, इडली, मछली, डोसा, कड़ी, सांबर। अपन कुछ करने वाले हो क्या? क्या करना है? ओ, तुम ही तो बोल रहे थे ना। ज्यादा गर्म हो रहा है। और गर्म मत करो। अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो? पहले घर आ जाओ, फिर फैसला करेंगे जंगल जाना है या नहीं। अरे रे देखो, पहले जल्दी से घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी औरत जंगल चली जाएगी। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। अरे मेरी माँ। कब राजा मरेगा और मंत्री कब राजा बनेगा, जिंदगी ऐसी ही है। कल भी मालगाड़ी मंडी से लेट हो चुकी है। हाँ सर। रमिया, शाम बहुत हो चुकी है, तुम ज्यादा देर मत रुको, जल्दी निकल जाओ, कल शायद छुट्टी भी हो सकती है। मास्टर, मास्टर। क्या हुआ? जैन सर, मैं चलता हूँ। शिखामणि को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? वो तंबी शिखामणि को ढूंढ रहा है, वैसे मामला क्या है? ओ, इसका मतलब वो उनका आदमी था क्या? जंगल के पेड़ को काटता है और ऊपर से ट्रैक के पेड़ भी लेकर जा रहा है, उसके पैसे नहीं देगा क्या? आज मैं उस नालायक को सबक सिखाऊंगा, तब अकल आएगी। या अल्लाह, अब वो तंबी चुप बैठेगा क्या? अब वो क्या कर रहा होगा पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। रुक, मैं भी चलता हूँ। सर आप पुलिस वाले हो ना, जाकर मारिए उसे। तुम मुझे फंसाने की सोच रहे हो क्या? वो पागल है, देखो कितना गुस्से में है। शिखामणि, नहीं छोड़ो, उसे जाने दो। ए, खुद को बहुत शाना सुनो भाई। हा? तुम उसके पास मत जाना, उसका स्वभाव जानते हो ना। रेलवे की चीजें क्यों चुराते हो? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना। हा? चलो यहां से। चोरी का मामला वो जानता है। अरे हट जा, बोला ना हट जा यहां से, हट जा हट जा। कितनी बार कहा यहां मत आया कर, चल हट। रेलवे ट्रैक के बीच में कभी दोबारा मत आना। अब जा भी, चल निकल यहां से। हाँ रुको 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 रुको। हाँ हाँ चढ़ जाओ, चले। हाँ चलो, चलो। Thank you.
ऐसी सूचना पुलिस वालों ने हमें दी है। लगेसी पालकाड के जंगल और रेलवे स्टेशन में कुछ आतंकवादी घुसपैठ किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तुम कहां गए थे? पुलिस उन घुसपैठ आतंकवादियों को देखो निकालने की कोशिश कर रही है। आतंकवादियों की क्या है? इन आतंकवादियों के बारे में पुलिस वालों का कहना है कि तमिलनाडु आंध्र के जंगल में इन आतंकवादियों का ग्रुप छुपा हुआ है। इस संगठन के लोगों ने बड़े कांड किए हैं, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। ये लोग तिरुपुरम जिले के माधोपुर गांव के रहने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग माधोपुरम रेलवे स्टेशन के जंगल में कहीं छिपे हुए हैं। सरकार ने इन्हें किसी भी हालत में ढूंढ निकालने के लिए आदेश दिया है। पुलिस वाले इनकी तलाश में निकल चुके हैं। अरे आगे की मनी, आपको बताते रहेंगे। तुम जरा संभल कर रहना, ठीक है? हाँ, अगर इनके बारे में कुछ पता चले तो किसी को बताना मत। हम सच बताएंगे तो भी इल्जाम हम ही पर लगेगा, ऐसा जमाना है। अगर किसी को बाहर नहीं बताएंगे तो गोली खानी पड़ेगी। ये क्या है? कम से कम कुछ दिन तो मेरे मन को शांति मिलती। कब से सबूत ढूंढ रहे, एक भी नहीं मिला। चैन की जिंदगी जीने के लिए मैंने जंगल में ट्रांसफर लिया था। सारी फोर्स आ गई क्या? सब लोग आ गए हैं सर, बस आफी लेट आए हैं। तो इससे क्या आसमान नीचे गिर गया क्या? चलो मुद्दे की बात करो। हमारी स्पेशल टीम जंगल के अंदर गई है, वहां जाना बहुत खतरनाक है सर। वैसे ये रेंजर भी हमारे साथ है, वहां के बारे में ये सब जानता है सर। ये क्या है यार? सॉरी सर। तुमने जंगल में किसी को देखा है क्या? नहीं सर, साहब को सच पता ना, वरना हम लोग समझ जाएंगे। सुनो, वो आतंकवादी इस जंगल में कहाँ छुपे हैं तुम्हें कुछ पता है? वो यहाँ से काफी दूर है सर। एक तो वैसे इतनी दूर है और तुम लोग फिर वहाँ जाने की बात कर रहे हो। 2-3 किलोमीटर चलना है, है? सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलना है। अरे जो कहा गया वो सुनो, इस जंगल के बीच वो जगह कहाँ है बताओ हमें। अब तो सच बोलना पड़ेगा। अरे मुझे कहाँ पता है। देखो समय नहीं है, इस जंगल के बीच हमारा एक ग्रुप गया है, उन्हें रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना। वो तो है। तुम्हारी रेंज कहाँ तक है? मेरी रेंज वो चारों तरफ पुलिस, लगता है किसी आतंकवादी को मारा है। इधर आ। कहीं ये पुलिस वाला मुझे फंसाने की तो नहीं सोच रहा है। इसको पता है सर? मुझे कुछ नहीं पता सर। इस जंगल में जाने का रास्ता कहाँ से है? मैं तो इधर नया हूँ सर। बता दे पुलिस वाले हैं ये। सर दाएं से सीधा जाकर ना। हाँ सर सीधा जाना है, सीधा। चौथा टर्न मारने के बाद करीब 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है सर। हम लोग भी वहीं गए थे ना। अबे ठीक से बता, मरवाएगा क्या? रेंजर किसने बना दिया? सर मेरे पिताजी की मेहरबानी है, उनके मरने के बाद ये जॉब मिला। तुम्हारी खुशनसीबी है और इस जंगल की बदनसीबी। पागल। अरे चलो यार। हर तरफ अफवाह है, 3 आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं। वही वही, कहाँ छिपे हैं वो लोग? सर अच्छा है, बंदूक है, गोली है, टैंक है। क्या बकवास कर रहे हो? ये है, वो है, मेन चीज जो है वो बताना। मुर्गी है। क्या बोला? अब मुर्गी तो फिर बोतल भी होगी। हाँ वही सर, उसका मतलब अलग है। अच्छा बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेक्ट है? 3-3 है, करेक्ट है। एक तो ऊपर चला गया और अभी 2 और बाकी है ना। हाँ सर। ए, दूर हटो, दूर हटो। उन्हें देखने दो यार, चलो चलो यहाँ से। लगता है ये आतंकवादी है। Thank you.
हटिए पीछे पीछे हटिए क्या हो रहा है पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे पीछे चलिए आतंकवादी हो मुझे इस तरह घूर के मत देखो तुम्हारे साथी को पुलिस वालों ने गोली मार दी है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या गोली मारी है माथे पर समझ गए पुलिस जंगल के अंदर आ चुकी है थोड़ी देर में यहां भी पहुंच जाएगी मैं नहीं चाहता हूं कि तुम फंस जाओ चुपचाप यहां से भाग जाओ झरने के रास्ते जाओगी तो यहां से बाहर निकल जाओगी आगे मुसापट्टी गांव है यहां से भाग जाओ मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आ रहा है ना ये चिन्नाल पट्टी गांव है यहाँ बहुत बड़ा जंगल है ये विराई पट्टी एरिया है हमें रेलवे ट्रैक पार करके जाना होगा यहाँ पे कई जानवर ट्रेन से टकरा के मर गए बारिश के समय में जंगल में जाना बहुत खतरनाक है सर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक आतंकवादी 12 किलोमीटर अंदर हो सकते हैं सर इस जंगल के अंदर बहुत खतरनाक जानवर है कल एक शेर ने गाँव में आकर एक इंसान पर अटैक किया था सही है ना अब सही है सर क्या सर इस टीपाकाट एरिया में कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं सर क्यों रे सर मैं जंगल में नहीं जाता हूँ डर लगता है मुझे सांप जाते हैं सर ये है यहाँ के स्टेशन मास्टर नमस्ते सर वैसे यहाँ स्टेशन है क्या नहीं सर वैसे गांव वालों के लिए रेलवे इंचार्ज यही है ऐसा ही सर वहां पर आए थे इस जंगल के बारे में एक ही इंसान जानता है सीखा मनी ये लोग जंगल में सपने में भी नहीं गए होंगे
सिखा मनी, वो अभी कहाँ मिलेगा? वो जंगल में ही होगा। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं सर, हम उसकी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते। इस सेक्शन में ईमानदारी से काम करने वाला एक ही इंसान है। अगर आपको जंगल के बारे में जानना है तो मैं उसे बुलाता हूँ। वो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है सर। आप जानते हैं हमारा मकसद क्या है? इस जंगल में जाने के लिए कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जानता हूँ, जैसा सर समझ रहे हैं वैसा नहीं है जंगल के अंदर जाना। अंदर जाएंगे तभी काम बनेगा। कल यहाँ पर और फोर्स आएगी, उनके साथ जंगल में जाने के लिए दो आदमी चाहिए। राइट सर। सिखा मनी, या पहले तुम इस जंगल में इस तरह घूमना फिरना बंद करो। पुलिस के साथ साथ कुछ आतंकवादी भी जंगल में घुसे हुए हैं। ओह, कल तुम्हें उन्हें जंगल का रास्ता दिखाना होगा। किसको? पुलिस को। सुनो, संभल कर रहना। जिंदगी में पहली बार एक आतंकवादी को देखा। मैं गया तो था लेकिन देख नहीं पाया। उसे एनकाउंटर कहते हैं, एनकाउंटर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा ये बताओ, एनकाउंटर क्या होता है? वो क्या है कि पुलिस जब किसी इंसान को जीप से उतार कर उसे खुला छोड़कर भागने के लिए कहती है, तब पुलिस वाले जो है ना वो उसे पीछे से गोली मार देती है। इसे कहते हैं एनकाउंटर। अगर हम भागने की बजाय चलकर जाएं तो क्या होगा? चलकर जाओ या भागकर मरना पक्का है। ऐसा है क्या? कहाँ थे तुम? आतंकवादी को तुमने सामने से देखा क्या? खाना नहीं खाना है क्या? डरा हुआ है। अरे कोई भी आम इंसान देख लेगा तो डरेगा ही ना। जब मैं डरता हूँ तभी मुझे ज्यादा भूख लगती है। सुमन, एक दो प्लेट अंडे लेकर आओ। तो इतने अंडे खाएगा? इतना ज्यादा कहाँ है? वही तो, तुम्हें देख कर ही पता चलता है कि तुम एक नंबर के भूखड़ आदमी हो। अबे बस करना, कितना खाएगा? जब तक ये चोट ठीक नहीं हो जाती तुम चल नहीं पाओगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इसको कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है। भूख लगी है क्या तुम्हें? खाना खाना। इसीलिए किया।
संभल कर चलो, रास्ता ठीक नहीं है। ये क्या है? चलो जल्दी आओ। संभल कर चलो। ए, तुम लोग वहां पर जाओ। अच्छा सुनो। जी सर। वो सिखा मनी नहीं आया क्या? आने को कहा था, आया नहीं। मैं नीचे जाकर उसे ढूंढ कर लाऊंगा। कहाँ जाकर? नीचे जाकर। तुम्हारा नाम क्या है? शेर का बच्चा हरी। शेर जंगल में रहता है, नीचे नहीं। चलो जाओ। मैं नहीं जा सकता सर। हाँ, आपने मेरे पैर दबा कर रखे। ओ, चलो 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 भाई चलो। कुछ लोग वहां से आओ। अरे कितनी दूर चलना है? बस सर, हमें उस पहाड़ को पार करके जाना है, ऐसा उसने बोला। एक और पहाड़? मुझसे नहीं होगा सर। क्या ये, तुम्हें शर्म नहीं आती? डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग आकर भर्ती हो जाते हैं। तुम चुप रहो, यहीं पे खड़े रहो मेरे साथ। सर, आप नहीं जाओगे तो? तो फिर तुम भी नहीं जाओगे। तो फिर मुझे भी नहीं जाना है ना? नहीं नहीं, तुम्हें तो जाना ही होगा, जंगल में किसी एक को तो जाना ही है। सर्च, कमान कमान, सर्च क्विक, चलो चलो। अच्छा हो गया सब चले गए, मैं बच गया। वैसे सर, आपको भी आपके पापा की पोस्ट मिली है क्या? चलो जल्दी चलो, वहां ऊपर जाना है। कमाल का ट्रिप है ना सर? सुनो, तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे हाथ में ये होगा। क्या सर, वेपन है क्या? छे, बिस्किट की बात कर रहा हूँ। ये लो खाओ। वैसे भी भूख लगी थी। सर आप पहले डॉग्स कोर्ट में थे क्या? कुत्तों की बिस्किट है। वहां से आओ। बिछाने के लिए पत्ता चाहिए, मैं जाकर लेकर आता हूं। हाँ, ऐसे शरीर को हिलाओ मत, पैर ठीक होते ही तुम चली जाना। समझ में आ रहा है ना? सर गाड़ी रोकी है, वो यही है। हमें मिल ही गया। ए शिखामणि, इधर आ। सर कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम उसे इस तरह मत बुलाओ, वरना पुलिस की डर की वजह से वो यहाँ से भाग जाएगा। इस तरह बोलकर उसे डराओ। क्या कहा सर? मुझे आपके जैसा बनना है ना, इसलिए मैं थोड़ा हाँ हाँ बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सच कहूं तो तुम लोगों को मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रही है। भाई शिखामणि, जरा इधर आओ। रेलवे ट्रैक पे कुछ काम है सर। ओ, मास्टर जी ने तुम्हें समझाया है ना, अपना काम खत्म करने के बाद तुम मुझसे आकर के मिलो। सर बोल रहे, तुझे समझ में? अरे इस तरह धमकी मत दो उसे, प्यार से समझाओ, समझ में आएगा उसे। सर तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही। किसी अनजान व्यक्ति को तुमने जंगल में देखा है क्या? वो दो लोग हैं, एक आदमी और एक औरत। लड़का काला सा होगा, लड़की मलयाली है। अगर दिख जाए तो
अगर किसी पर शक हो तो हमें आकर बताना, समझ गए? अरे धमकी मत दो, कहा ना मिलने पर हमें खबर देना मनी। तुम जाओ। हाँ ठीक है मनी, चलिए सर। हाँ पता नहीं कब मिलेंगे, बोलो। पता नहीं सर। तुम मलयाली हो ना? हाँ बिल्कुल, मलयाली में ही तो बात कर रही थी मैं। तो फिर अभी तक तुम? मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। वैसे हम दोनों को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस दिन बोल रहे थे कोई आया है, उस दिन तो मैं डर के घबरा ही गई थी। तब तुम्हें पता नहीं चला कि मैं मलयाली हूँ। वैसे मेरी मातृभाषा मलयाली है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शिखा मनी। हाँ, अच्छा नाम है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। शांतिपूर्वक मनोरंजन के साथ मैं उम्मीद करती हूँ। इसका मतलब है आंदोलन पक्ष के लोग प्रधान रूप से मिलकर प्रदर्शन करेंगे तो कभी समझौता नहीं होगा। सत्ता में पक्ष विपक्ष की राय बदल दी जाए तो कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हैं? ये तो पढ़ी लिखी लगती है। पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन रहे हैं आजकल। बुरा वक्त आ गया है। तुम लोग वहां देखो, जाओ। सो जाओ, मैं यहां बैठता हूं। रात में यहां हाथी आते हैं। तुम डरो मत, वो कुछ नहीं करते। किसकी है? मेरी है सर। बोलो कहाँ है? कौन लोग? सर्च। हम्म?
रही है? बताओ। कहा ना, मेरी है सर। तुम यही रहते हो क्या? नहीं, कभी कभार जब मैं जंगल में आता हूं तो यहीं आकर मैं सो जाता हूं। कुछ तो गड़बड़ है शिखामणि। क्या हुआ, ठीक से चेक किया कि नहीं? वहां कोई भी नहीं है सर। एक काम करो, उस एरिया में जाओ। ओके सर, गो। मारूंगा तुम्हें। पर क्यों? यहाँ पर हाथी आते हैं, जानती भी हो? अच्छा, मैंने तो हाथी को देखा ही नहीं, उसके बारे में बताओ। पहले यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पर आई थी। आहा, पुलिस आई थी। आने दो, लेकर जाने दो, मुझे फांसी पर लटकाने दो। अरे मेरे पास मत आओ ऐसे, वही रहो। आ गई तो क्या हो गया, कपड़े तो पहने ना मैंने। पहले मेरी तरफ देखो, फिर बात करो, उसके बाद मैं वहां आऊंगी। समझ में नहीं आ रहा है किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ठीक है, मत देखो मेरा चेहरा, लेकिन इतना गुस्सा भी तो मत करो। प्यार से बात करोगे तो मैं मारूंगी नहीं। तुम्ही हो मेरे जन्मों के साथी, दिल ये बोले होने लगा प्यार मुझे तुम जब से मिले। मिला आसमां, खुली वादियां, दिल मेरा इनमें कहीं खो गया। मिला आसमां, खुली वादियां, दिल मेरा इनमें कहीं खो गया। से जब किसी ने दिल में समाया चेहरा तुम्हारा। जिंदगी में मेरे जब से तुम हो आए, जीने की वजह बन गए हो तुम। जिंदगी में मेरे जब से तुम हो आए, जीने की वजह बन गए हो तुम।
सोचो हर जगह देखो सूरत तुम्हारी ख्वाहिश है मेरी दिल की यही बनू तुम्हारी जब से तुमको देखा तब से तुमको चाहा अब बिन तुम्हारे जिया लगता नहीं ये कैसी चाय है कादर? इतने पैसे में ऐसी ही चाय मिलती है? इसमें शक्कर भी नहीं है, दूध भी नहीं है। हमेशा तो यही आते हैं पीने के लिए। अच्छे चाय बनाते हो इसीलिए हम लोग आते हैं। शांति पूर्वक दुनिया बिगड़ती जा रही है। चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाय में मजा ही नहीं आया। पक्ष विपक्ष के लोग भले ही सत्ता के लिए प्रतिवाद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनके बीच चाहे जैसा भी संबंध हो, बिना चीनी के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यही बात हम पक्ष के सामने रखेंगे। इससे जनता के भविष्य का क्या होगा, बस यही हमारा एक छोटा सा सवाल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया ना, इसीलिए ये पूंजीपति उद्योगपति वो हमारी कमजोरी को समझते हैं और हमारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमें सावधान रहना होगा, उससे आम जनता कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की बात है, ये हमारे अपने लोगों की बात है। आज अगर हम चुप रहे तो ये हमारी कमजोरी होगी। क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश को क्या हो गया है? कुमार भाई जो है हमारे तहसीलदार है और हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हाँ तो भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ये आंदोलन करना ही होगा। हम इस तरह से हाथ पे हाथ रख के चुप नहीं बैठ सकते। लगता है हम लोगों से डर गया। लगता तो ऐसा ही है। ये करेक्ट है। क्या करेक्ट है, सही बोलो या गलत बोलो, तुमको करेक्ट ही लगता है। बीच में बोल पड़ते हो। अरे मैं सही बोल रहा हूँ। अरे चुप रहो। पक्ष और विपक्ष में जो कुछ भी होता है उसके बीच में आम जनता लगातार फंस रही है। कभी कभी ये दोनों आपस में समझौता भी कर लेते हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। आर्मी आ गई है। मेरे बारे में तुम कुछ जानना चाहोगे क्या?
मैंने कुछ बताया भी नहीं तुम्हें और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। अगले 3-4 दिन ही मैं जिंदा रहूंगी, उसके पहले तुम्हें मेरे बारे में कुछ जान लेना चाहिए। It's not possible. हमारे मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, and I cannot allow it. But sir, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा. She's a brilliant student. इसकी पढ़ाई जरूरी है. No excuses. I told you I cannot allow it. Out. But sir, एक बार सोच कर देखिए. Out, I said. Please, sir, जो बोल रहे हैं सुनो. Sir, बहुत टेंशन में है. Sir, बाद में बात करेंगे. चलो, आओ. शिवगामी. गुंडूर के जाने माने कंपनी के ओनर आनंद रामकृष्णा की बेटी है। 3 साल तक उनकी कंपनी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। बेटी के पढ़ाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे हमारे रामकृष्ण, लेकिन कंपनी के बर्बाद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हारे पिताजी से कितने लोगों ने कर्जा लिया है, वो वापस मिलेगा क्या? यार वैसे भी हम एक बार ट्राई कर ही चुके हैं, दोबारा हम एमडी से एक बार पूछ कर देखते हैं मिलता है कि नहीं। वो टीडीएस नहीं मांग रहा है, रूल्स और रेगुलेशन की बात करता है। उसके पिता के जाने के बाद उसकी ख्वाहिशों को हम सब ने सोचा था कि मिलकर पूरी करेंगे। शिवगामी एग्जाम नहीं दे पाती। सारे फ्रेंड्स ने मिलकर देने के बारे में सोचा। परीक्षा नजदीक आ रही थी, मैनेजमेंट को देने के लिए हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, और वो एग्जाम हॉल में बिना पूरे पैसे भरे जाना भी नहीं चाहती थी। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ग्रुप को साथ में लेकर मुझे मारने के लिए आई हो क्या?
आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई है, उसका जवाब आपको देना ही होगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुसाइड करने के लिए मैंने कहा था क्या? एक बच्चे को पालने के लिए माँ बाप कितनी तकलीफ उठाते हैं पता है? जिंदगी जीने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, वो करने के बजाय तुम्हारे गैंग के लोग सुसाइड करते हैं ये देखकर मुझे खुद पर भरोसा भी नहीं हो रहा। उसके इमोशन के चक्कर में तुम लोग मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हो। अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने माँ बाप के सपने और अपने सपने। कुछ भी कहें, उसकी मौत की जिम्मेदार बस आप हैं। इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अब आगे से आप चैन से नहीं जी सकते हैं। मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे ही धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आउट ऑल ऑफ यू। सुसाइड करना हमें और हमारी लाइफ को यहाँ पहुंचा देगा, ये हमने सोचा भी नहीं था। उस घटना की वजह से हम लोग आतंकवादी बन गए थे और हम आतंकवादी के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये सब कुछ होने के बाद हमने फैसला किया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन एक कंप्लेंट दर्ज करनी है। हाँ। सर, सर। क्या है? कौन है तू? संगठन का लक्ष्य था अपने हक को पाना। कई संगठन से मिलकर ये संगठन बना था। उस संगठन के साथ मिलकर हम बहुत मजबूत होंगे। राज सिंह को अपने भाई की मौत का बहुत दुख था और हमारी फोटो गांव से
बाहर आने लगी थी और राज सेन ने सीनियर लोगों के साथ मिलकर हमें मारने का फैसला किया था। फिर उसने हमारा हर जगह पीछा करना शुरू कर दिया। Okay, leave him. तुम जाओ, जाओ। केस बनाकर राजसेन हमारे संगठन के लोगों का एनकाउंटर करने लगा और उसकी वजह से हमारा संगठन पूरी तरह बिखर गया। बिना लीडर के संगठन कैसे चलता, इसलिए हमने संगठन को केरला शिफ्ट करने का सोचा। लेकिन हमारे संगठन के लिए ये रास्ता भी आसान नहीं था। चेलापट्टी के रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस हमारा इंतजार कर रही थी और उनसे बचने के लिए ही हम सब ने इस जंगल में छुपने का फैसला किया और तभी ये सब कुछ हो गया। अब सिर्फ दो लोग बचे हैं, मैं और श्रवण। पता नहीं वो इस जंगल में कहां है। अपने आप ऊपर उड़ रहे हैं। मेरे सामने बकवास मत कर, वो रिमोट से चल रहा है। सर ये तो ऊपर जा रहा है, आपको कुछ दिख रहा है क्या? क्या लगता है पूरे जंगल की छानबीन करेगा ये? लगता तो है। Watch this. क्या है ये? No idea, sir. Then few here and few of them okay, here. Sir. Come on, boys. Sir, sir, sir. काम आसान हो गया सर। रुकने के लिए कौन से? क्यों सर? उन्हें रुकने के लिए कहो, ये मेरा ऑर्डर है। हम लोग कौन है सर? कौन है? फॉरेस्ट। बेचारे लोगों को मार कर चले जाएंगे, सरकार को मुझे जवाब देना होगा। इन लोगों के साथ रहने से अच्छा जंगल में जाकर रहो।
मैं तो फिर मैं क्या करूं? वहां से यहां तक लेकर के आ गया। जाओ उन्हें बताओ। सर, हम राज सैमन से जाकर बात करते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं जाओ जाकर बताओ। सारा काम हमसे ही करवाते हैं। फालतू में हमें दौड़ा। सर हम फोर्स को वहां से ले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। जाना होगा क्या? हाँ सर। सर वो आटा सर बुला रहे हैं आपको। क्या बात है सर? आई एम कमिंग। किरण सर तुम जाकर अरेंज करो। आई विल अरेंज। आज तमाशा देखते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? चाहे बारिश आए, भूकंप आए या हाथी आए, कितना कुछ झेल रहे हैं ये गांव वाले। ये सब करने की क्या जरूरत है सर? सर्च करके गांव वालों को तकलीफ मत दीजिए। सर जैसा आप सोच रहे हैं वो लोग यहाँ नहीं है। वो अभी भी जंगल के अंदर है। I know. एक हफ्ते से वो लोग इसी जंगल के अंदर है। गांव वालों के सपोर्ट के बिना यहाँ 3-4 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिकेगा। गांव वालों का सपोर्ट है या फिर शायद आप में से किसी का। You got it? तुम तो आतंकवादी हो ना? इससे पता चल रहा है कि तुम किसी को जान से नहीं मार सकती हो। तुम डर रहे हो क्या? डर मैं नहीं, डर तुम रही हो। ऐसा नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। सब लोग झूठ बोलते हैं, ये संगठन, उसके उपदेश सब बकवास है। क्या हुआ? कहां चला गया तुम्हारा जोश? तुमने कहा था कि तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारे लोग अलग हैं, जिंदगी अकेले जीनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आराम की जिंदगी जीने की ख्वाहिश तो मेरी भी है, लेकिन उसके लिए कुछ हम दोनों को करना होगा। मतलब पक्ष विपक्ष मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करेंगे तो समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हें अकेले परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? सोच लो।
तुम पहले ऐसे नहीं थे। एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। मैं तुमसे पेड़ काटने की बात करता हूँ तो तुम कुछ उल्टा ही करने लगते हो। पेड़ उठाने की जगह बंदूक उठाने की बात करने लग जाते हो। उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा था सर। आखिरी महीना आने तक मेरे दिल में आग जल रही थी। मेरे उस प्यारे शिखामणि को क्या हुआ है बताओ? जयंती आने वाली है। कौन सी जयंती? तुम जो उम्मीद कर रहे हो वो जयंती नहीं है। देखा, यही परेशानी। इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? ये खराब ट्रेन बन चुका है वो पता है। अरे 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 रुको, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? जो कुछ भी है मुझे बता दो। तुम तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हो, कोई परेशानी है क्या? शेर निकला था। अरे कब? लगभग 3-4 घंटे हो गए। तो अभी मशाल लेकर क्यों निकले हो? अब तक वो कहीं चला भी गया होगा। तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है? ये ऐसे ही बोलता है। चलो हम दुकान बंद करने के बाद ही निकल सकते हैं ना। ठीक है, चलो चलो जाओ। क्या है सर, उस कादर की दुकान से वो पार्सल लेकर जाता है और कुछ दिनों से तो वो वहाँ खाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ पार्सल लेकर जाता है। और पूछने पर जंगल में काम है बोलता है। स्टेशन मास्टर ने भी बताया है कि वो कई दिनों से काम पर नहीं आया है। मुर्गन की बेटी की शादी में उसके साथ एक लड़की भी थी सर। उस कादर से पूछने पर पता चल जाएगा सर। तुम लोग जाओ। सर अगर उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है ना तो उस आदमी को पकड़ लीजिए, तोते की तरह सारी सच्चाई उगल देगा। तो गड़बड़ होने वाली है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक चाय। चाय दे दे। शिखामणि कहाँ है? सर आज आया नहीं सर। कल वो मास्टर से बात कर रहा था सर। सर हाँ, थैंक यू। शिखामणि यही खाना खाएगा ना? हर रोज पार्सल लेकर जा रहा है सर। सर ये गैंगमैन है। ओ आई लाइक गैंगमैन। चलता हूं, ये लो। हाँ बैठो बैठो बैठो। एक पापड़ और दो ना। टेक हिम। चल अब ये भी आ गया। चल उठ। हाँ चल बोला ना। खाना खा रहा हूँ सर। खाना मैं तुझे खिलाऊंगा। अरे देखो ना कि आपने पापड़ भी खाने नहीं दे रहे हैं। चल सर मुझे कहाँ से जा रहे हैं? डर में मुझे और ज्यादा भूख लगती है सर। पापड़ छोड़ दीजिए सर, खाना खा लीजिए। सर आप जिसे पकड़ कर ले जा रहे हैं वो मेरा स्टाफ है। Who are you? मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। शिखामणि और ये दोनों मेरे स्टाफ हैं। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये मेरा काम है, जस्ट माइंड योर बिजनेस। अब देख लिया ना, जब हमारे लोग पेड़ काट रहे थे तब वो हमसे लड़ाई करने लगा और अब देखो आतंकवादियों के साथ गठबंधन करके बैठा है। सुन, इस देश का पानी शुद्ध है, उसमें जहर मिलाने की कोशिश मत कर, अगर किया तो जिंदा काट दूंगा। Thank you.
काम नहीं किया सर, सिर्फ खाना खाता हूँ बस। मैं अपनी दोनों आंखों से किसी को बुरी नजर से देखता भी नहीं। चुप, सच कह रहा हूँ सर। ए, इधर आओ। नाम क्या है? सुदीप। तुम्हारी दुकान से कोई अनजान आदमी एक्स्ट्रा चीजें लेकर गया है क्या? हाँ, hey, तुम्हारी दुकान से कोई अनजान आदमी कुछ लेकर गया है क्या सर, पूछ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। शिखामणि कुछ खरीद कर ले गया था क्या? टूथपेस्ट और ब्रश खरीद के ले गया सर। पेस्ट, ब्रश? वो अच्छे से दांत साफ करता है सर। सच में? क्या बोला तूने? सर वो अपने हाथों से ही दांत घसता है सर। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, बस शादियों में जाकर भरपेट खाना खाता हूँ सर, सच कह रहा हूँ। हाँ सर। शिखामणि, सर्चर या ए, सर्च करने के लिए कह रहा हूं ना। क्या सर्च कर रहे हो? लड़ी सर्च फास्ट। गो 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 सर्च। सर सच कह रहा हूं मैं सर, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। उसके साथ मैं कभी जंगल में भी नहीं गया सर। शिखामणि कभी मुझे अपने साथ भी नहीं ले गया सर, वो अकेले ही जाता था। करेक्ट, यू आर राइट। गो, यू गो। सुना नहीं सर, जाने के लिए बोल रहे हैं। जाओ। अकेले सर, अभी तक मैं अकेले नहीं गया सर, मुझे डर लगता है सर। यू वांट सिक्योरिटी? दो पुलिस वाले को साथ में भेज देंगे तो चला जाऊंगा। चले जाओगे? जाओ। आप इन्हें समझाइए ना सर। जा रहे? जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ चला जाऊंगा सर। जाओ 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 जाओ। नहीं सर। जाओ जाओ ना। अरे जाओ। जाएगी सर। जाओ जाओ। जाएगी सर। जाओ जा रहा सर। कमन बॉय। कम कम कम। ओ मैं कहाँ जाऊँ? सेलमन जाने का रास्ता और ये केरला जाने का रास्ता। भाई शिखामणि भाई, अरे बाप रे, शिखामणि भाई, शिखामणि भाई, शिखामणि भाई, पर शेर ने हमला किया है। हाँ, भाई लग रहा है। Hey!
शिखा मणि को इस बारे में पता नहीं, वो इसे देखना चाहेगा। हम कैसे बता सकते हैं? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? किस लिए? ऐसी जिंदगी मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन अब इस जिंदगी को मैं एंजॉय कर रही हूँ। पहले सोच रही थी कि केरला जाने के बाद मेरे पिताजी किसी मलयाली लड़के से मेरी शादी करवा देंगे और मैं सेटल हो जाऊंगी। अच्छा तुम ही बताओ, मुझसे कोई शादी करेगा क्या? बचपन में मेरी मम्मी बोला करती थी, हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं अगर वो ना मिले तो जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। देखो मेरी मम्मी की बातें सच हो गई और तुम मेरे सामने बैठे हो, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है ना? मेरी माँ की बात बिल्कुल सच हो गई। रही डर की बात, डरने से किसे फायदा हुआ है? देखो सच कहूँ तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे पता है। क्या? लोग यही कहीं आसपास है। सर्च, कम ऑन ऑल ऑफ यू, सर्च।
बताओ क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ? अगर तुम बता दोगे तो पांचों खत्म। नहीं तो छठवे तुम होगे। तो सच बताओ। कम ऑन, सच बताओ। बोलो। I said say। बोल जल्दी। बोल। उस तरफ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? इसे भी मारना चाहते हैं क्या? तमाशा मत देखो, गाड़ी में डालो। सर गैंग आ रहे हैं। क्या है सर? क्या है सर? पर्सनल रिवेंज के लिए डिपार्टमेंट का इस्तेमाल मत करिए। जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखने वाले एक नौजवान लड़के को आपने जान से मार डाला। अगर इससे कोई सवाल पूछना है तो मेरे सामने पूछिए। नो डीएसपी सर, नो। अब ये मेरी कस्टडी में है, इसके साथ क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हे शिखामणि, आजा 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 आजा, कम ऑन, कम कम कम। हाँ, हम जरा अंदर जाके बात करते हैं। चल साइमन सर, आप जा तो रहे हैं लेकिन मैं आपके पीछे हूँ। दिनों तक तुमने देविका को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए थैंक्स। तुम्हारे पीछे राज साइमन पड़ा है, तुम खुद को बचा लो, देविका को हम देख लेंगे। कम ऑन। क्यों बैठी हो? हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन टारगेट है उस साइमन को दुनिया से उठा। आज हमारी टीम उसे खत्म कर देगी, उसके बाद तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आज रात हम यहां से निकल जाएंगे, उसके बाद इस टीम की लीडर तुम होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स।
मुझ साइमन, और दूसरी तरफ हमारा संगठन। दुश्मनों के हाथों कुर्बान होने के लिए ये जिंदगी नहीं है। तुम ठीक बोल रहे हो शिखामणि, संगठन और राज साइमन ऐसे ही फैसले लेते हैं। मेरा अब यहां रहने का मन नहीं करता। इसका फैसला लेने वाले वो नहीं है। क्या बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और आगे समझ में आएगा भी नहीं, कभी नहीं। हम जो देख रहे हैं सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है। पुलिस ने जब मुझसे सवाल किया था तो तुम ऐसा नहीं करोगे ऐसा मैंने कहा था। आगे क्या करना मैं जानता हूं। उसे उन लोगों को मारने दो, दफनाने दो, कुछ भी करने दो, तुम दोबारा उस जंगल में नहीं जाओगे, उससे कभी नहीं मिलोगे। इसे भी अपनी जिंदगी जीनी है, जो गलतियां हुई है उसे ये मानती है, सजा के लिए तैयार है। मैंने इससे वादा किया है कि आप हमारी मदद करेंगे। इससे पहले कि कोई देख ले, इसे अंदर लेकर जाओ।
शिखा मणि, मैं जानता हूं प्यार में ये सब होता है, लेकिन जो मरने वाली है उससे प्यार करने से क्या फायदा शिखामणि? हाँ शिखामणि, बेवजह छठा नंबर मत बनो, जाओ तुम चले जाओ। I said go, go। जिंदगी एक समान होती है, इसे भी जीने का हक है, अगर आपने कुछ किया ना तो। पुल मी अप। अभी बाकी है सर, आपकी भी। Thank you.
बात है? तुम्हारा अभी तक दिल नहीं भरा क्या? उसे ले जाने के लिए उसकी टीम आई हुई है, अब तुम वापस जाओ।